तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल हब में। तो आज मैं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज मैं यूट्यूब चला रहा था, कुछ सर्च कर रहा था कि नेम प्लेट कितने बनाते हैं बंदे, मतलब डिज़ाइन कोई सिखाता है या नहीं सिखाता। यूट्यूब पर मैंने सर्च किया तो काफ़ी मेरे को नहीं मिला कि नेम प्लेट बन बस आप मशीन से वो काटना सिखा रहे हैं, बस बना के कोई नहीं दिखा रहा। लेकिन वो आज हम इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कि नेम प्लेट को कैसे क्रिएट किया जाता है। जो लाइट वाली नेम प्लेट होती है वो 3D में कैसे क्रिएट किया जाता है, फाइल वो कैसे बनाई जाती है, तो आज वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोरल ड्रॉ में ओपन कर लेता हूँ। तो मेन आपको क्या देखना होता है कि एक आपने डिज़ाइन लेना है तो वो कितने साइज़ का लेना है, या कितने आपको शीट के अंदर अंदर आपको एक बनाना है डिज़ाइन। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंचेस में भी दे रखा है, तो आप इंचेस में करके जैसे कि आप पेज साइज़ अपना कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए 12x आपको 6 का डिज़ाइन, आपको एक नेम प्लेट बनानी है 12x6 की, एक नेम प्लेट बनानी है रेक्टेंगल एरिया में। तो उसको आप अच्छे से एक डेकोरेट करके जो नेम लगा के वो कैसे आप बना सकते हो, तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो काफ़ी जो बंदे हैं, मैंने काफ़ी सर्च किया कि कौन कौन है आपको जो सिखा रहा है नेम प्लेट बनाना, जो क्रिएट डिज़ाइन करना सिखा रहा है, तो वो काफ़ी मेरे को कम दिखा, एक भी नहीं दिखा। हालांकि उसमें खाली मैंने देखा कि मशीन से काट के दिखा रहे हैं, चाहे वो आपकी लाइट एक्रेलिक हो गई, 3 mm 4 mm वाइट ट्रांसपेरेंट की हो गई, वो लगाना मतलब पेस्ट करना सिखा रहे हैं। तो काफ़ी बंदे हैं जो फाइल बनाना तो सिखा ही नहीं रहे। ठीक है, हालांकि बंदे को फाइल बनाएगा जब ही तो आप आगे काट पाओगे वो चीज़। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने ये ले ली, एक फाइल ले ली, एक रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल कैसे बनाया मैंने, एक हमने डबल क्लिक करके हमने एक रेक्टेंगल पे डबल क्लिक किया, वो पेज के हमारा एक आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इसके अंदर ही हम बनाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग हो। तो अब इसके अंदर हमने एक ले ली कुछ इस तरीके से, सॉरी, कुछ इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद हमने क्या लिया, साइज़ ले लिया 11.5 और 5.5। ठीक है, जिससे कि हमारा क्लियर हो गया। अब ये चीज़ हमारा कुछ हमने लिया है, लेकिन हम इसको पहले लॉक कर देंगे, पीछे वाले जो हमारा वो चीज़ है इसको लॉक कर देंगे ताकि वो हिले ना। अब देखो जैसे कि हिलेगा नहीं, ये हिलेगा क्योंकि हमने इसको लॉक नहीं किया है। इसको वापस से हम सेंटर में रख देते हैं। अब नाम लिखते हैं, मेनली आपको क्या करना है, जैसे कि कस्टमर का जो भी नाम होता है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, लोगो तो आप इजीली बना सकते हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नाम जो प्रोसेस देखना चाहते हो वो चीज़ आप देखो, क्योंकि काफ़ी जो बंदे होते हैं वो अलग अलग मशीन चलाते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर चलाते हैं, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग वोट की जो मशीन रन करते हैं, तो वो चीज़ है काफ़ी कंफ्यूजन वाली बातें होती हैं। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। तो ये सब हम प्रोसेस एक में ही वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि कोरल लेज़र या फिर कोरल RD वर्क्स हो गई, या फिर आप कोई भी अनदर सॉफ्टवेयर, चाइनीज सॉफ्टवेयर या बेस्ट सर्विस का, बाबा टूल्स का, या फिर कोई भी आप लोहिया का, या फिर आप चाहे प्राइवेट सॉफ्टवेयर जैसे कि मोबी केयर का हो गया, या फिर धीरज गिफ्ट्स का हो गया, या फिर कोई भी आपके अन्य जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं प्राइवेट सब्सक्रिप्शन वाले भी होते हैं, तो उनमें भी आप इजीली काट सको मशीन से। तो ये हम पहले हम साइज़ लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने साइज़ लिख लिया, पहले हमें बनानी थी 12x8 की, सॉरी 6 की, 12x6 की इंचीज़ में लिख लेते हैं। ठीक है, इंचीज़ में हमें पता ही है 12x6। ठीक है, अब इसको हमने इसमें डाल लिया, हमने जो हमारा क्या क्या चाहिए, कस्टमर को क्या क्या प्रोवाइड है, तो इसमें हमें 4 होल्स चाहिए, या 2 होल्स, 2 होल्स भी ले लेते हैं, 2 होल्स। ठीक है, और हम ले लेते हैं कि एक हमें मतलब कि कितने शीट्स की चाहिए। अब ये हमें ज़्यादा मोटी वाली चाहिए 3 mm या 4 mm 5 mm, कितनी शीट्स आपको
मतलब कि अवेलेबल होगी, वो चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कम से कम 4 या 5 शीट्स आपकी लगेगी, ठीक है ना। 4-5 शीट्स जो यूज़ होगी आपको, 4 तो मैक्स होगी होगी, 5 तो आखिर कम होती है किसी किसी की, क्योंकि छोटी मशीन्स होती हैं तो उनकी 4 A4 जो शीट्स होती है उसमें बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं तो आपका जो एक बड़ा साइज़ की मशीन है तो आप अपने हिसाब से 3 में भी 2 में भी लिपट सकते हो, वो चीज़ है। जितना आप शीट मेनली आपका किस पर्पस पे यूज़ होगी, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होगी, तो वो आज मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको। अब आगे 4-5 शीट्स, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा रख लेता हूँ ताकि पॉइंट्स हमें क्लियर रहे आगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मैं आपको बता सकूँ कि 4-5 शीट्स कौन कौन सी हमारी यूज़ होगी आगे। 4 तो मेनली यूज़ होती होती हैं, अगर आप बड़ी मशीन चला रहे हो तो 3 तो होएगी होएगी, क्योंकि अगर हम 3D में लाइट वर्क करेंगे तो मान के चलिए एक हमारी ब्लैक हो गई जो पीछे लगेगी, एक हमारी वाइट हो गई जो उसके ऊपर लगेगी, और एक हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई जो हमारी साइड में लगेगी, एक हमारी गोल्डन हो गई या फिर येलो हो गई, अदरवाइज कोई भी XYZ कलर हो गया, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ये 4-5 शीट्स इस्तेमाल होती होती हैं, यूज़ होती होती हैं। तो वो कितने MM की होती है वो आगे मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो कोई भी दोस्त इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है ना। कहीं भी आपको पॉइंट क्लियर ना हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मतलब कि कहीं भी आपको मतलब कुछ भी पूछना हो तो यार डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सअप लिंक भी दे रखा है, या डिज़ाइन चाहिए तो वो भी हमने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, तो साइड पे भी जाके देख सकते हो, कुछ डिज़ाइन हमने दे रखे हैं आपको पहले से ही, तो वो भी आप ले सकते हो, फ्री में है वो, तो हमने साइड पे डाल रखे हैं तो वो फ्री में दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने ये लिख लिया, अब इसको हमने कर्व कर लिया, ठीक है ना, ये कर्व कर लिया, कर्व करने के बाद हमने थोड़ा सा हमने कर्व कर लिया, अब इसके बाद हमने क्या करना है, कर्व करो या कर्व ना करो, क्योंकि वो चीज़ होता है कोई बॉक्स वाली बनाता है, जो बॉक्स वाली ही आप बैक साइड पे लगा सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़ है आपको। अब जैसे कि मान के चलिए हमने नाम लिखना है, नाम लिख लेते हैं, नाम भी हम 2 तरीके से, पर मैं आपको बताऊंगा, एक छोटे वाला हो गया, एक कैप्स लॉक वाला मतलब कि स्मॉल लेटर्स वाला हो गया, एक हमारा इस नाम से मतलब स्मॉल लेटर्स वाला हो गया, एक कैप्स लॉक वाला हो गया। तो मतलब कि ये चीज़ आपको 2 तरीके से मैं आपको बता दूंगा, आप मेनली हमें पॉइंट्स क्लियर करना होता है कि आपको दोनों तरीके से आपको बनाना आ सके, कस्टमर जैसे भी आपकी डिमांड हो, कस्टमर की डिमांड हो तो वो आप ऑटोमेटिक मतलब जल्दी से इस वीडियो को देखो तो वो आप क्रिएट कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, पहले तो मैं अपना लिख लेते हैं, जैसे कि मैं गुड़गांव से हूँ तो गुड़गांव डाल लेते हैं पहले, ठीक है, गुड़गांव हरियाणा लिख लेते हैं, एक कैप्स लॉक में लिख लेते हैं हरियाणा, जय हरियाणा, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये लिख लिया हमने, अब इसमें हम फर्क काफी कुछ नहीं है, मेनली हमें क्या 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है वो कैसे हमारी निकलती है। लेकिन अब देखो जैसे कि इसको हमने थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करना है अपने हिसाब से, पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, फॉन्ट अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से पहले ही चेंज कर लेते हैं, जैसे कि अगर ये लेना है बोल्ड में तो ये भी ले सकते हो, अपने हिसाब से अपने फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो फॉन्ट की, अगर आप वीडियो चाहते हो तो, और भी मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी उसमें कम फॉन्ट्स डाले थे, लेकिन मैंने बाद में काफ़ी फॉन्ट्स और इंस्टॉल किए हैं, तो वो भी आप अगर डिमांड चाहते हो तो उसकी भी वीडियो एक अलग से हम बना देंगे, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ी सी हमारी अलग ही हो गई, तो ये हम बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा गैप करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन हम थोड़े से फॉन्ट एक बार देख लेते हैं, ये भी ठीक लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है,
इसमें फॉन्ट हो गया, इसमें हम अपना देख लेंगे, जैसे कि ये देखो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जैसे कि ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी आपकी जो बनती है ना लास्ट में जो फिनिशिंग आती है वो काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन काफ़ी बंदे क्या होता है ना अपनी बनाते हैं ना, लेकिन वो साइज़ मेंटेन नहीं करते, मतलब कि जो एडजस्ट नहीं करते, वो उसकी आउटलाइन जो होती है वो कम कर देते हैं उसकी बिल्कुल भी, जिससे कि रिफ्लेक्शन बहुत ही कम आती है। हमें रिफ्लेक्शन भी अच्छी खासी चाहिए, तो ये हम एक बार, रुको 2 सेकेंड, हम इसको साइड में रख लेते हैं ताकि हमें पता लग सके कि कैसा, ये भी ठीक लग रहा है, चलो ये ले लेते हैं हम, ठीक है ना। अभी ये हमने ले लिया, मान लीजिए पहले हमने ये ले लिया, तो उसके बाद हमने क्या करना है, कोई भी हम एक्स वाई जेड ब्लैक या फिर हमने कोई भी एक्स वाई जेड कलर कर लिया, जैसे कि हमने ये गोल्डन ही रखना है तो हमने ये रेड रखना है, या फिर मान के चलिए ये हमने रोज़ गोल्ड कर लिया, रोज़ गोल्ड के लिए हमने कलर देख लिया, शायद ये गोल्ड बनाना है, येलो गोल्ड, ठीक है ना, ये हमने रोज़ गोल्ड टाइप का कर लिया ये, ठीक है ना, ये हमने गोल्डन टाइप का कर लिया, इसको भी हम रोज़ गोल्ड ही कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो इससे आपको मैं शीट की पहचान भी करा दूंगा कि ये कौन कौन से हमने कलर कर, मतलब कि शीट ली है, ठीक है ना, जो जो हमने कलर करेंगे उस हिसाब से हम आपको शीट्स भी बता देंगे, उस हिसाब से हम कलर कर देंगे उस शीट में, कि इस हिसाब से आपकी ये वाली शीट मैंने इस कलर की ली है, तो वो लास्ट में मैं बता दूंगा वापस कि हमने इस टाइप की ये वाली शीट ली थी। अब देखो जैसे कि हमने ये ले लिया, अब इसके बाद हमने क्या करना है, पहले तो ये जो चीज़ है हमारी आउटलाइन निकालेंगे एक बार, तो ये वेल्ड ही नहीं है, ठीक है ना, इसको हम पहले क्या कर लेंगे, वेल्ड कर लेंगे, अरेंज में जाके शेपिंग में जाके वेल्ड, तो ये वेल्ड हो गया, 2 सेकंड का काम था हमारा ये वेल्ड करना। वापस से एक बार मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है, कलर करने के बाद आपको क्या करना है, अब एक बार हमें F12 दबाना है, F12 दबाने के बाद आउटलाइन पेन खुल जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ से भी खोल सकता था, इसको डबल क्लिक करके वापस से आ जाता, ठीक है। अपने एरिया से मतलब कि कितना गैप में आपको ये चीज़ देना है, होल देना है, ठीक है, उस हिसाब से आपको राउंड करना है, ये करना है, ठीक है। ये करने के बाद बहुत इजी है आगे का प्रोसेस, हमने ये अलग कर लिया, अलग कैसे किया, अब देखिए अलग कैसे किया मैंने, अभी हमारा ये जॉइंट है देख सकते हो जैसे कि आप स्क्रीन पर, तो इसको हमें अरेंज पे जाना है, ये हमने कंट्रोल शिफ्ट क्यों दबाया था मैंने, तो ये हमारी शॉर्टकट होट की जो हमारी होती है वो हमने ये दबाया था कंट्रोल शिफ्ट क्यों, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो हमारा ये चीज़ हमारा गुड़गांव जो है अलग हो गया, और इसकी मैंने क्रिएट आउटलाइन कर ली। आउटलाइन क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे ब्रेक अपार्ट किया, इसकी हमने आउटलाइन निकाल ली, तो कुछ इस तरीके से आ गई, ठीक है। अब आउटलाइन क्रिएट करने के बाद आप इसको ही मतलब कि दो तरीके से आप एक और इसकी आउटलाइन निकाल सकते हो, आउटलाइन निकालने के बाद इसको कैसे आप आउटलाइन निकालनी है देखो, अरेंज शेपिंग बाउंड्री, बाउंड्री में जाके हमने ये एक और निकाल ली, क्यों निकाली, 2 सेकेंड, अगर मैं, ठीक है, इसको मैंने अंदर से कलर हटा लिया। अब ये जो हमारी मैंने दो ले लिया क्योंकि ये चीज़ हमारी एक ये हमारी शीट है, ये हमारी ट्रांसपेरेंट की हो गई, ये हमारी फिक्स हो गई, मतलब ये फिक्स होगी, इसके अंदर अटैच होगी, ठीक है। उसी तरीके से हम ये वाला भी कर लेते हैं, वो कैसे, हमने कितने mm की शीट लेनी है जो हमें ट्रांसपेरेंट, जो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा उठ जाए, तो आपको वो देखना है, मतलब कि क्या देखना है, जैसे कि ये अगर आप वाइट शीट लेते हैं, मान लीजिए वाइट के लिए हमने थोड़ा सा हमने ये वाला कलर कर लिया, वाइट शीट आप ये लेते हैं, तो ये आपने गुड़गांव, गुड़गांव आपने यहाँ लिखा, तो हरियाणा, एक बार हम पहले इसको भी हरियाणा को भी अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आउटलाइन बना लेते हैं, जिससे कि आपको लास्ट में एकदम क्लियर रहे, ठीक है ना, जैसे कि हरियाणा में थोड़ा सा हमारे को गैप थोड़ा सा और देना पड़ेगा, ठीक
ठीक है, जिस हिसाब से आप ये आउटलाइन देख रहे हो ना, उसी हिसाब से रिफ्लेक्शन आएगी, ये चीज़ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम चार कर लेते हैं, तो चार में थोड़ा सा हमारा ठीक लग रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमें अच्छे से फोकस होनी चाहिए, अंधेरे में हमें दिखना चाहिए कि क्या लिखा है, ठीक है ना। नाम गूंजेगा, ठीक है, नाम शो होगा। तो अब देखो, इसलिए हम रेंज में जाके कन्वर्ट टू आउटलाइन, ठीक है ना। अब ये जैसे कि हमने ये निकाल लिया, इसकी बाउंड्री बाउंड्री निकाल ली, इसको हमने डिलीट मार दिया, ठीक है। सिंपल इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया, डुप्लीकेट मैंने इसको राइट क्लिक करके किया, ठीक है। मेनली अब देखो, ये चीज़ हमने बनाया, ठीक है। अब ये शीट जो है हमारी, एक वाइट शीट है, ठीक है। वाइट शीट को हमने सेंटर में किया, ठीक है, सेंटर में किया पेज के। अब ये जो हमारा ये है, इसको हम लेके गए कि हमें कहाँ कहाँ चाहिए। अगर इसमें, क्योंकि काफ़ी बंदे हैं जो कलर अलग अलग करके भी बनाते हैं, मतलब कि कैसे कि दो कलर लेके भी बनाते हैं, जैसे कि कैसे कि एक आपका ऊपर येलो दिख रही है, मतलब कि जो फ्लैश आ रही है वो येलो आ रही है, एक में रेड आ रही है। तो वो भी हम अगली वीडियो में, या फिर उसकी एक अलग सी वीडियो हम बना देंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको वो चाहिए तो, ठीक है। जैसे कि हमने ये कर दिया, अब ये हमना हमारा इसी में कंबाइन हो गया, ठीक है। कंबाइन होने के बाद हमारा कैसा हुआ, कुछ इस तरीके से होने के बाद ये हमारा वाइट शीट में होल हो गए, कट गई, मतलब वाइट शीट हमारी कुछ इस तरीके से कट गई, ठीक है। अब वाइट शीट कटने के बाद हमने ये एक ट्रांसपेरेंट काटी। ट्रांसपेरेंट हमें कितने एमएम की काटनी है, वो आपको कैसे पता चलेगा। अगर आप ये 2 mm की ले रहे हो, ठीक है, मान लीजिए अगर आप वाइट वाली 2 mm की ले रहे हो, तो आपको ये 3 या 4 mm की आपको ये वाइट ट्रांसपेरेंट काटनी पड़ेगी। अगर आप ये 1.5 mm या 2 mm से ऊपर की, 2.5 mm की ले रहे हो, तो ये आपको ये 4 mm तक की आपको ये वाइट ट्रांसपेरेंट आपने काटनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंट के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ अलग कलर कर देते हैं, आउटलाइन हमने ये कर दी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट के लिए मैंने कुछ इस तरीके से हमने कर दी, ठीक है, फिक्स हो गई, बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, यही सेम हमारी फिक्स हो जाएगी ट्रांसपेरेंट क्लिक पर, रेड आउटलाइन, ठीक है। अब हमारी क्या हो रहा है कि ये चीज़ हम गुड़गांव, अब ये गुड़गांव तो हमारा ट्रांसपेरेंट के ऊपर आपको पता ही है वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वो पेस्ट हो जाएगा। अब ये हमने पहले ही हमने जो है रोज़ गोल्ड से हमने बना रखी थी, वो कुछ इस तरीके से लगा ली, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने पेस्ट कर ली। अब देखो, ये चीज़ हमने इन दोनों को उठा लिया, ठीक है, ये जो ढंग से एक बार हमने फिक्स कर लिया, दो सेकेंड में इसको फिक्स कर लेता हूँ, तो ये फिक्स हो गया है जैसा कि आप देख रहे हो। अब ये हमने क्या किया, ये मान के चलिए हमारी एक ये शीट हो गई थी, ठीक है ना। अब ये हमारी हरियाणा, ये हमने जो लिखा था, ये हमारी एक कितने बाय 11.5 बाय 5.5 के अंदर थी। अब ठीक है, हमें 12 बाय 6 के अंदर अंदर बनानी थी। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक वो चीज़ चाहिए, मतलब कि एक फाइल चाहिए जो हमारे को पीछे लगाने के लिए होती है। अब वो चीज़ हमारी ये ब्लैक चीज़ है, ठीक है। पहले हम इसकी बाउंड्री निकाल लेते हैं, या डुप्लीकेट बाउंड्री निकाल लेंगे। डुप्लीकेट करोगे तो उसमें लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा, उसको हटाना भी पड़ेगा। ये हमारी एक ब्लैक शीट हो गई, जिससे कि हमारी लाइट ब्लॉक करेगा बैक साइड की, ठीक है ना। ब्लैक साइड की मतलब कि ये चीज़ हो गई हमारी, एक पीछे लग जाएगी। अब इसके बाद हमारी एक हमें स्ट्रिप्स काटनी पड़ेगी। स्ट्रिप्स कितनी, जैसे कि एक हमारे को इसके अकॉर्डिंग इतने गैप में हमारे को स्ट्रिप्स काटनी पड़ेगी। जैसे कि देख रहे हो, ये हमने 0.5
करके, तो इतनी आपको स्ट्रिप्स काटनी पड़ेगी ताकि हमारी जो एप है, या फिर आप इसको लगा के पूरे में ब्लॉक कर सको, जैसे एक बॉक्स बना सको, जैसे कि ये 0.5 कर दिया हमने, 0.5 कर दिया, अब इसको हमने इसकी ऐसे खींच दी ताकि एक आप यहाँ पे इस तरीके से आपने लगा सको, ठीक है ना। अब ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने ये कटिंग के लिए आप बॉक्स, जैसे कि यहाँ से कहाँ से वायर निकालना चाहते हो, तो इसको लिए आप छोटा सा एक होल दे सकते हो, या फिर हल्का सा आपने, मान के चलिए आपने हल्की सी एक यहाँ से वायर निकालनी है, तो आपने हल्का सा आपने ट्रिम कर दिया, काट दिया आपने, ये वायर निकालने के लिए आपने इतना गैप छोड़ दिया, तो आपने यहाँ से आपने कुछ इस तरीके से 2 सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको बराबर ही कर देते हैं, अच्छे से फिक्स हो जाता है वो चीज़, आप घबराओ मत। फाइल अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो एक हमसे सैंपल भी ले सकते हो, यही सैंपल दे देंगे हम लास्ट में, पासवर्ड भी हम इसी वीडियो में डाल देंगे, तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि ये चीज़ है बॉक्स, ठीक है ना, ये बॉक्स हमने बना लिया कुछ इस तरीके से, कि हमने लास्ट में ब्लैक टेप लगा के हमने इसको कर दिया, वायर हमारी यहाँ से निकल गई, जो स्ट्रिप लाइट होगी वो हमने इसी के ऊपर हमने पेस्ट कर ली चारों कॉर्नर्स पे, ठीक है ना। जैसे कि ये तो हमारी कुछ स्टैंड अप करके लग जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हमारी लग जाएंगे ये ब्लैक शीट के ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने एक वाइट शीट लगा दी, इसको हम ब्लैक के ऊपर हमने ऐसे कर दिया, लेकिन हमारे को एक रोशनी आ रही है, जो रोशनी कौन सी है, वो पीली कलर की, जो हमारी वाइट येलो मान के चलते हैं येलो, तो इसको हमने येलो कलर के यहाँ से हमारी एक इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये चीज़ भी हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, तो रिफ्लेक्शन को हम थोड़ा सा कुछ कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट कैसे करेंगे, हमने इंटरेक्टिव टूल लिया, इसमें ग्रेडियंट टाइप का हमने कर दिया, येलो फिल कर दिया, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया, ताकि हमने, सॉरी, जैसे कि कुछ इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ कर दिया, अब ये ऊपर हो गया, ठीक है ना, ये हमारी कुछ इस तरीके से आ गया, ये हमने बॉक्स हमने पेस्ट कर दिया फेविक्विक लगा के, अपनी जो ग्लू होती है वो हार्ड वाली लगा के हमने कर दिया। देखो अब ये जो चीज़ है हमारी कुछ इस तरीके से आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो हमने लगाई है ये हमारी हार्ड है, ठीक है, ये हमने यहाँ पेस्ट कर दी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये कुछ हमने इस तरीके से ले आए, तो इसको हमने ऊपर हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये हमने ब्लैक कर दिया ताकि हमारा बाहर से थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है, तो ये चीज़ है हमारा, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा आएगा ये चीज़, आप अगर आप गोल्डन में है तो गोल्डन हमारी ऐसे दिखेगी नहीं, लेकिन हमारा ये अलग कलर होगा पीछे का, तो उसमें काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्शन आती है, ठीक है ना। मैंने खाली आपको ये फाइल अभी 2D में तैयार कर, मतलब इमेजिनेशन में तैयार करी है, लेकिन आपकी फाइल जो है काफ़ी कुछ इस तरीके से ही रेडी होगी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर आपको एक शीट और ऐड करनी है, ठीक है ना, एक शीट और ऐड करनी है जो कि हमारी छोटी होगी,
ताकि वो हम बराबर मेंटेन में, जो हमारी लेज़र जो हमारी लाइट मार रही है, रोशनी है, वो बराबर में बीम में आए, इतनी ज़्यादा भी तेज़ ना आए जो नाम ही ना दिखे, ठीक है ना। वो मेंटेन करने के लिए होती है काफ़ी। आप रात में देखो तो किसी किसी की जो नेम प्लेट होती है वो गलत डिज़ाइन में होती है, वो नेम नाम ही नहीं दिखाती, ठीक है ना। बहुत तेज़ रोशनी होती है, लेकिन उसको रोशनी को भी मेंटेन करने के लिए एक शीट ट्रांसपेरेंट नीचे भी और रखी जाती है, ठीक है ना। वो चीज़ है ताकि ये चीज़ें हमारी इसके अंदर थोड़ी सी फिल हो जाए, ताकि वो मेंटेन कर दे, जो लाइट बीम होती है वो मेंटेन करके रखे, तो जिससे कि हमारी परफेक्ट रोशनी एक फ्लैश के रूप में आती है। और फाइल हमारी जैसे कि कुछ इस तरीके से होगी। अब देखो कलर, जैसे कि ये हमारी एक, ये तो हमारी टॉर्च या ब्लैक शीट है हमारी, सॉरी ब्लैक शीट, ये हमारे आउटर हो गए, आउटर, या फिर आउटर हमारे 2-3 mm रोज, मतलब कि जो स्ट्रिप लाइट होगी उस हिसाब से हमारी जो 3 mm की होगी स्ट्रिप लाइट, या फिर जितने भी हम आपकी mm होगी उस हिसाब से आपकी स्ट्रिप लाइट जो लगेगी वो इस साइज़ आपको यहाँ पे ले लेना है, ताकि ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ज़्यादा आप बॉक्स वो छोटा भी ना बना पाओ, ठीक है ना। अब ये ट्रांसपेरेंट आपने लेनी है, तो हमने ये रेड लाइन कर दी ट्रांसपेरेंट के लिए, हमने रेड लाइन कर दी। और ये हमारी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट के लिए ये भी लाइन हो गई हमारी। ये हमारी वाइट जो शीट है, वाइट शीट के लिए हमने थोड़ा सा हमने ये कलर किया था, ठीक है ना। ये हमारी गोल्डन शीट है। अब देखो कितनी शीट स्मॉल हुई, जैसे ये ब्लैक हो गई, 1, 2, 3, 4, 4 शीट्स इस्तेमाल हुई, ठीक है ना। वही चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 शीट्स तो आपकी 4 या 5 शीट्स इस्तेमाल होती है अपना। अगर आप यहाँ पे कुछ भी फोटोज़ हुई या फिर लोगोज लगाना चाहते हो वो भी आप लगा सकते हो, सेम इसी तरह प्रोसेस से गुजरते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ भी आप कितने mm की या फिर आप कितने 5 mm की चाहते हो तो वो चीज़ आपको लगाते हैं। अब होल के लिए आपको बैक साइड में होल करना पड़ेगा, तो वो आप होल या फिर अपना बैक साइड में लगा सकते हो, हुक टाइप में आते हैं, डबल साइडेड टेप जो अलग प्रोसेस से होती है, ठीक है ना, हुक टाइप में आते हैं। जैसे कि अब हुक कैसे बनाते हैं, तो ये चीज़ आपने लिया, ये आपने ले लिया, तो इसको आपने करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने स्लिम कर दिया, वेल्ड कर दिया, वो किसी हिसाब से रेडी होते हैं। लेकिन अभी मैंने ढंग से नहीं बनाया, अगर आप ढंग से बनाएंगे तो कुछ हुक इस तरीके से ही हमारा रेडी होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही आपके 2 रेडी होंगे, जिससे कि आपके ये हैंग हो जाएगी सीधे में, ठीक है ना। उसमें आपकी ये एकदम लटक जाएंगे, जैसे कि कैसे अगर हम ये पी दबाएं, अगर हम ये जैसे कि हमने ये कर लिया, इसको कर लिया, ये हमारी ब्लैक शीट में होगा, ये चीज़ है, ये चीज़ कंबाइन करा, ठीक है ना। कंबाइन करने के बाद कुछ इस तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।